नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। वाराणसी में केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री ने राजेश शुक्ला की गंगा सेवा को सराहा। केंद्रीय मंत्री बोले, गंगा सनातनी संस्कृति की प्राणवायु है। गंगा का संरक्षण हम सभी का कर्तव्य। संस्कृतियों के महाकुंभ के अवसर पर G20 बैठक में हिस्सा लेने काशी आए केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री एवं तेलंगाना राज्य के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष जी किशन रेड्डी ने विगत 9 वर्षों से काशी के घाटों पर स्वच्छता की अलख जगा रहे राजेश शुक्ला के कार्यों की भूरी भूरी प्रशंसा की है। कुछ ही दिनों पूर्व केंद्रीय मंत्री ने अपने इंटरनेट मीडिया पर राजेश शुक्ला की गंगा सेवा को प्रेरणादायक बताया था। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में राजेश शुक्ला को सम्मानित भी किया था। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि माँ गंगा सनातनी संस्कृति की प्राणवायु है। जल संरक्षण के प्रयासों में राजेश शुक्ला जैसे भारतीय नागरिकों की भागीदारी देश में नदियों की स्वच्छता के लिए लोगों को प्रेरित और प्रोत्साहित कर रही है। गंगा सेवक राजेश शुक्ला ने कहा कि भारतीय संस्कृति की पहचान है गंगा, आस्था और अर्थव्यवस्था है गंगा। हमें मिलकर गंगा जैसी पवित्र नदियों के संरक्षण के लिए जन भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी। न्यूज 9 भारत के लिए तौफीक खान की रिपोर्ट। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।